आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो क्लास सिक्स में आपका ये चैप्टर नंबर फोर जो है पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, इसमें दो प्रकार के परिवर्तन का आज हम जिक्र करेंगे। एक होता है भौतिक परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का स्वरूप क्या हो जाता है, बदल जाता है, बात समझ आ रही है, पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ऐसे परिवर्तन जो क्या कहलाते हैं हमारे, भौतिक परिवर्तन। और जो हमारा पदार्थ है उसका स्वरूप बदल गया पर नया पदार्थ भी बन गया, तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन। इन्हीं का आज कुछ उदाहरण लेके आज आपके सामने है। जैसे हमारे पास एक पेपर है ना, अब ये क्या है भाई, पेपर है। अब मैंने पेपर को क्या करा, फोड़ करा के फाड़ दिया, अब क्या है ये, अब क्या बन गया ये, अभी भी क्या रहा, ये पेपर रहा। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अगर मैं पेपर लेके और यहाँ पे एक मैच स्टिक है मेरे पास, इसमें आग लगा देते हैं, ठीक है। अब मैंने ये एक माचिस की तीली लेके इस पे पेपर पे क्या चला दी, आग लगा दी। अब क्या हो गया, ये क्या बन गया, ये जो नीचे पड़ी हुई दिख रही है आपको, ये क्या बन गया, अब इसके ऊपर लिख सकते हैं क्या हम, नहीं। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ, समझ में आ रही बात। चलो इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, मेरे पास एक स्प्रिंग है, मैंने फोर्स लगा के इस स्प्रिंग को क्या कर दिया, खींच दिया, ठीक है। अब खींचने के बाद क्या स्प्रिंग से क्या कोई और चीज बन गई क्या, ये रहेगी तो अभी भी स्प्रिंग ना, तो ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, क्योंकि पदार्थ का स्वरूप ही तो चेंज हुआ है, अभी ये लंबी हो गई बस, क्या दिक्कत है, पर है तो स्प्रिंग ही, और फिर से फोर्स हटाने के बाद फिर से ये क्या हो गई, फिर से ये उतनी आकार में आ गई, उसी आकार में आ गई, तो ये कैसा परिवर्तन है भाई, भौतिक परिवर्तन। ये हमारे आसपास की चीजें हैं दिखा रहा हूं मैं आपको, जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जुड़ी होती है, पर सबसे बढ़िया भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आप देखेंगे। अब मेरे हाथ में क्या है ये बताओ, क्या है ये, क्या है ये भाई, गेहूं है ना। जब आप इसको पिसवाने जाते हो, चक्की वाले के पास जाते हो ना पिसवाने गेहूं को, तो जब गेहूं से पिस के क्या बन जाता है, आटा, क्या बन जाता है, आटा बन, ठीक है। तो ये कैसा परिवर्तन है, गेहूं से आटा बनने का कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि दोबारा से क्या इससे दोबारा से गेहूं बन सकते हैं क्या, नहीं बन सकते ना, तो ये कैसा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। आसान है ना बिल्कुल। अच्छा अब इस आटे को लेके पानी इसके अंदर डाल के आपकी मम्मी बनाती होंगी घर पे, अब उसको क्या कर दिया, हाथ लगा के गूंद ला, और अब ये आटा ऐसी फॉर्म में आ गया, ऐसा बन गया ना आटा, तो आटा एक गुद गया, अब कौन सा परिवर्तन हो गया, अभी भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दोबारा से क्या इस आटे से इस गूंदे हुए आटे से ऐसा आटा मिल जाएगा व्हाइट, तो ये भी कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। अब एक और, अब इस आटे को गूंद के और गैस के ऊपर रख के आपने क्या बना दी, रोटी, अब ये कैसा परिवर्तन है, ये भी क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन, ये भी रासायनिक परिवर्तन। तो ये हमारे आसपास के ही बहुत सारे हमारे घरों में हमारे आसपास इतने रासायनिक परिवर्तन होते हैं जो हम अक्सर देखते हैं। तो ये थे हमारे कुछ रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। समझ आया सबको, यस सर।